मानव जागृति मंच एवं मिश्री देवी आई हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर बहरोड के संयुक्त तत्वाधान में शुक्रवार को क्षेत्र के ग्राम कोहराना की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सुबह आंखों का विशाल निःशुल्क चिकित्सा एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन उपखंड अधिकारी विकास राज पुरोहित द्वारा किया गया। शिविर में आसपास के क्षेत्र के लोगों की काफी भीड़ रही। शिविर में आंखों के ऑपरेशन के प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह यादव द्वारा मरीजों की जांच की गई। मानव जागृति मंच से जगमाल सिंह यादव ने बताया कि शिविर में बाहर से आए हुए लोगों के लिए बैठने और खाने की व्यवस्था की गई है, जहाँ पर लोग शिविर का लाभ उठा रहे हैं। ये मानव जागृति मंच बहरोड की तरफ से हर वर्ष जो है एक निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर लगाया जाता है, जिसमें मिश्री देवी आई हॉस्पिटल के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह द्वारा जांच की जाती है, परामर्श दिया जाता है, दवा वितरित की जाती है और उन मरीजों का चयन किया जाता है जिनकी आंख बढ़नी होती है, जिनका ऑपरेशन होता है, जिनको लेंस प्रत्यारोपण होता है, वो उनके अपने ओटी में ले जाके बहरोड वहाँ ऑपरेशन करते हैं, यहाँ से चयन कर लिया जाता है। इस तरह के कैंपों की बड़ी आवश्यकता है, महत्व आवश्यकता है, क्योंकि फैले हुए वातावरण में जो प्रदूषण है उनसे आम आदमियों की, विशेष तौर से बुजुर्ग माताओं बहनों और बुजुर्गों की आंखों पर बड़ा असर आया हुआ है इस बात का, इसलिए ये बहुत जरूरी थी। और यहाँ कोरोना में चूंकि मानव जागृति मंच ने इस वर्ष का कैंप जो है जादोज में इसमें लगा दिया था फरवरी में, लेकिन चूंकि हमारे मित्र राजाराम एडवोकेट बड़े उत्साही और इस बात के प्रति जागरूक हैं, किसी तरह से भी पीड़ित मानवता की सेवा की जाए, जरूरतमंदों की मदद की जाए और उन्हीं की इच्छा से, उन्हीं के आग्रह पर ये मानव जागृति मंच ने दूसरा शिविर इसी वर्ष का यहाँ कोराना में लगाया। लोगों ने बड़ी रुचि के साथ यहाँ हिस्सा लिया है, काफ़ी संख्या में मरीज आए हैं, उनको ठीक तरीके से देखा जा रहा है डॉक्टर साहब की टीम द्वारा। एसडीएम साहब ने इसका, श्री विकास राज पुरोहित ने इसका उद्घाटन किया है और सारी व्यवस्थाएं भोजन आदि की बहुत सुंदर व्यवस्था राजाराम एडवोकेट की तरफ से की गई है यहाँ। और हम उम्मीद करते हैं कि जिनका चयन किया जाएगा आज, उनकी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि बहुत अच्छे से आँख बने और वो नई रोशनी प्राप्त कर सकें, इसी उम्मीद के साथ हम ये कैंप लगाते रहते हैं और मानव जागृति मंच सदैव पीड़ित मानवता के लिए, सेवा के लिए तत्पर रहता है।